हेलो दोस्तों, तो मिशन 50 एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में आप सब लगे हुए हैं। 23 अक्टूबर संडे को एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रही है। आज शाम तक फॉर्म जो फिलअप किए हैं उन सबको एडमिट कार्ड भी इशू कर दिया गया है। लगभग जो है 5000 से अधिक छात्रों ने ऑफलाइन एंट्रेंस के लिए फॉर्म फिलअप किया है। छात्रों की अधिक संख्या होने के चलते नॉलेज ग्राम बाईपास में सेंटर तो पहले से निर्धारित था ही, अभी हमने दूसरा सेंटर पटना सेंट्रल स्कूल भी डिसाइड किया है किस रोल नंबर से लेकर नॉलेज ग्राम में होगा और किस रोल नंबर से पटना सेंट्रल स्कूल में होगा, इसको लेकर हम एक दो दिन में आपको स्पष्ट कर देंगे। जिसका रिपोर्टिंग टाइम जो है 23 अक्टूबर को 10:30 बजे है, 10:30 में है, और आपको 11 बजे तक हॉल में प्रवेश करना है। 12 से 2 के बीच में 100 मार्क्स के एग्जाम्स लिए जाएंगे जिसमें कि 100 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन के बारे में आपको पैटर्न के बारे में पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, तो आप सभी का वेलकम है मिशन 50 में। दूसरी सूचना यह है कि मिशन 50 में 50 नहीं बल्कि छात्रों के मांग और संख्या अधिक होने के चलते 100 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा, जिसको उनको निःशुल्क रूप से क्लासेज मटेरियल्स एवरीथिंग प्रोवाइड कराई जाएगी निःशुल्क रूप से। साथ ही वैसे स्टूडेंट जो कि गाँव देहात में है, गाँव दूर दराज एरिया में है, जो गरीब हैं और वो चाहते हैं मिशन 50 में फ्री क्लासेस करना, तो वो अगर आते हैं संस्थान तो उनको एक कॉमन नॉर्मल सा टेस्ट द्वारा जो है उनका सिलेक्शन किया जाएगा और उनको ही प्रवेश लिया जाएगा, जिनकी संख्या 200 रखी जाएगी। यानी कि एक तरफ प्रतिभा के आधार पर 100 बच्चों का चयन किया जाएगा, दूसरे जो है उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर 200 बच्चों को, 300 बच्चों को हम एक साथ लेकर तैयारी करा पाएंगे। अब बोलेंगे कि 300 से अधिक क्यों नहीं हो सकता, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास जो सुविधा है, जो रिसोर्सेज है, वो उससे अधिक अलाउ नहीं करता है। इसीलिए हमने ऑनलाइन में 1 लाख बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम किया है। आप लोग उसके लिए तैयार रहे, वही एंट्रेंस एग्जाम हम जल्दी लेने वाले हैं। धन्यवाद।